पूछा ये नदी क्या गांव नहीं लाई जा सकती, और क्या सारे लोगों को जो है उसको पाइप लगाकर पानी नहीं पिलाया जा सकता, और बादलों से कहा नहीं जा सकता क्या वहां बरसे इस तरह का। यार ये स्थिति थी। आपने लोकतंत्र पर यह व्यंग देखा कि जो अज्ञानी हो वंश में पैदा होने के कारण उस पर आपके ज्ञान की सत्ता चलाने का लोकतांत्रिक अधिकार है। देश में इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता था कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई। उस हत्या में निश्चित तौर पर विदेशी शक्तियों का हाथ होगा, आतंकियों का तो था ही, तो उस स्थान पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए जो इतना अनुभवी हो कि जिन लोगों ने हमारे देश की प्रधानमंत्री की उसके ही घर में उसके अंगरक्षकों द्वारा हत्या करा दी है, उन सारी शक्तियों का समूल नाश करने का सामर्थ्य और ज्ञान जिसके पास उसको सत्ता देनी चाहिए थी। दी किसको आपने? दी किसको आपने? और देने के बाद जिद है कि वही बेस्ट है, वही टेलीफोन लाया, ग्राम बेल नहीं लाया, टेलीफोन उनकी खोज है। तो इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था की सिर्फ व्यंग चित्र बनाने के आरोप में ममता बनर्जी ने एक व्यंग चित्रकार को जेल में बंद करा दिया, उसको जमानत नहीं लेने दी गई, और उनकी तरफ जो खड़ा है मौलाना वो प्रधानमंत्री को गाली दे दे उसका समय दिखा रहे। तो ये जो व्यंग है व्यवस्था पर, विमर्श पर जो व्यंग है सुभाष जी, जो विमर्श हमारी पूरी व्यवस्था को ही का पर्याय बना दिया है, व्यंग जो है वो एक कमी है। दिव्यांग इसलिए हो तो वो कमी दूर होती है, तो आपने व्यंग नहीं दिव्यांग साहित्य लिखा है, समग्र साहित्य लिखा है। निंदा रस में सारे रस हैं, करुणा रस में भी सारे रस हैं। ये एडिटर बोल रहा है। अमरजीत जी ने मुझसे कहा कि महेश दुबे का एक कॉलम शुरू कराना है, और अमरजीत जी भाई हमारे इतने करीबी मित्र हैं कि किसी कटवा के भी किसी छपवा सकते थे। सकते थे, मैंने किया नहीं, मैंने कहा मैं उनके कहने पे ये सब कर सकता था या कर सकता हूँ। महेश जी आप इसके साक्षी है, पक्का। अच्छा, पक्का बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं महेश जी की प्रतिभा को जानता हूँ, उनकी प्रतिभा को मैंने चार पंक्तियों छह पंक्तियों में समेट दिया तो साहित्य का क्षय होगा, इसलिए उनको पूरा पृष्ठ दिया हम लोगों ने उस समय, तब परंपरा नहीं थी। कहीं अगर साहित्य बढ़ रहा हो, वैविध्य उसके मूल में पसती हो, तो अभिमन्यु जी ऐसा हम सब ने यही किया ना, नहीं हुआ भला? कोई कहता हो तो बहस करने में तैयार हूं। कौन बोले? तो ऐसे मेरे मित्रों का, और मुझे इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में जाना था, उसने विषय बदला एमसीडी इलेक्शन, तो मैंने तत्काल कहा मेरे को दिल्ली के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता मैं, मेरे को छोड़ दो और महेश दुबे जी कार्यक्रम में जाना है। इसको जानते हैं? हाँ, इन पर एक आध घंटा बोल सकते हैं, और झगड़ा हो गया तो 10-20 घंटा, क्योंकि प्रशंसा कम करते हैं हम लोग, निंदा रस में हम लोग पारंगत है। हाँ, बाकी तो यही है, एमडी है, एमसीडी से हम लोग एमडी में आ गए, और एक विवाह के कार्यक्रम में जाना है। अध्यक्षता के कारण जो है, अगर प्रधानाध्यापक जी को नहीं सुना तो डंडा भी खाना पड़ सकता है। प्रधानाध्यापक को हमने बेंत अलिए हाथ में देखा है, उन्होंने कभी मारा नहीं, लेकिन उस बेंत ने हमको इतना अनुशासित किया कि तो बेंत मारो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, इस तरह का बहुत बढ़िया जलसा हुआ, और अमर भाई जहां रहे, एक कार्यक्रम का अमरत्व पवन जी एक ही से प्राप्त हो सकता है, यहाँ एक अमर भी है एक अमरजीत भी है। अमर को अक्सर अमरजीत जी जीत लेते हैं, ये फिर आज सिद्ध है, आप वहां बैठे हो अमरजीत जी का। दोनों के बीच में प्रेम भी है, दोनों के बीच में प्रेम भी है। अमर प्रेम हो जाए मैं चाहता हूँ, है ना, वो मेरी तरफ अकेले भी निर्भर नहीं है ना, उसमें आपकी भी भूमिका है। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, और मैंने जो खड़े होने का भय हो,
सर जब तक बैठे हैं तब तक हम लोग क्लास में मस्ती कर सकते हैं, सर खड़े हो गए तो जो चालाक बच्चे होंगे लिखने लगेंगे सर फट जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। आप सबको ढेर सारी जो आप लोगों ने झेला इतनी देर मुझे, झेलना बड़ा कठिन काम है। और सचिन तेंदुलकर बहुत जोर से मारे और हम झेल जाएं, तो हमारे लिए ज्यादा तालियां बजेंगी सचिन तेंदुलकर के लिए कम। तो मारने वाले से झेलने वाला बड़ा है, इसलिए आप सबको नमन, धन्यवाद। साहित्यकार मंच के रूप में नहीं स्वीकार करते, उनके बीच की भी अंतर रेखा बहुत पतली है, बारीक सी है। ऐसे भाई प्रेम शुक्ल ने यहाँ यह बात रखी कि राजनीति और साहित्य, इसके बाद में मित्रों उन्होंने अपनी यहाँ पर अनुरोध करूंगा। तो मित्रों मैं उससे पहले कि विभू जी को मैं अंत में बुलाऊंगा आभार के लिए, मैं भाई अनंत श्रीमाली से अनुरोध करूंगा कि विभू जी का एक सम्मान यहाँ पर करें। भाई अनंत श्रीमाली वरिष्ठ बैंकर यहाँ। निंदरस बुक के बारे में, निंदरस बुक का आठ दिन पहले हम लोग डिसाइड किए थे बुक को लाने के लिए, एंड समहाउ वी मैनेज्ड टू गेट दैट बुक। मतलब मेरे सारे ऑथर लोग इधर है, तो मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा आप सबको। प्रॉब्लम के पीछे भी हम ही लोग हैं, हम ही लोग इसीलिए हैं कि हम लोग को हमेशा, मतलब सॉरी आप सभी लोग मेरे से बड़े हैं, सभी लोग बड़े हैं, बट हमें मंच का लालच है, मंच का किसी ना किसी फॉर्म में हमें लालच है, जिसका फायदा उठाते हैं पब्लिशर। तो बुक पब्लिशिंग एक बहुत छोटा काम है, 5-10 दिन लगता है, 10 दिन से ऊपर नहीं लगता है कोई भी बुक देयर बाय। बट हम मंच की तलाश के चक्कर में पब्लिशर को ऐसे चीज कुछ खिला देते हैं जिसके वजह से पब्लिशिंग इंडस्ट्री आज का जो, मतलब जो प्रॉब्लम है, मुझे कोई पब्लिशर बुलाता है तो मुझे इंसल्ट फील होता है। आई डोंट लाइक टू कॉल्ड एज ए पब्लिशर, रादर एंटरप्रेन्योर और मे बी समवन इज ट्राइंग टू चेंज दिस पब्लिशिंग इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। हम लोग अभी 2 साल हो चुका है हमारे कंपनी को, हम लोग ऑलमोस्ट 7% हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और 30 लाख लोग हमारे वेबसाइट को देखते हैं। तो अब 5 भाषा में हम लोग अभी पब्लिश, मतलब जो कंटेंट आता है 5 भाषा में आता है, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, उड़िया, हिंदी। हम लोग आगे जाकर कोशिश करेंगे उस सब चीज़ों को वेरियस लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के लिए। तो और एट द सेम टाइम हम लोग सारे लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेजोरिटी और ऑथर्स हियर कि आप अपना ई बुक्स, जो बुक्स तो एक फिजिकल बुक तो छापना चाहते हैं सब लोग, बट ई बुक्स में ज़्यादा फोकस रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ई बुक्स आप ओवरसीज जा सकता है चीज़ कंटेंट, और आपका डॉलर वैल्यू भी, आपका जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी चेक पे आपके पास ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू फिजिकल बुक्स। और ई बुक में हम लोग रॉयल्टी देते हैं 65%, विच इज़ वन ऑफ दी हाइएस्ट रॉयल्टीज इन इंडिया। तो स्टोरीज, पोएम्स, गजल, कोई भी साधन आपको लगता है कि इसको सेल लोगों के पास पहुंचना चाहिए और पहुंच नहीं पा रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, और हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। मित्रों हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आरंभ से निश्चित तौर पर, और प्रेम शुक्ल जी ने उल्लेख किया, अमरजीत मिश्र जी ने उल्लेख किया, भाई अभिमन्यु जी जिनका हाथ मेरे कंधे पर है, जिन्होंने आरंभ से छोटे छोटे वट वृक्ष, उनके पौधे बोए और वो सारे बोधी बनकर आज उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ इस विशाल वट वृक्ष आदरणीय आप सभी को मेरा नमन। वाकई आज ये लोकार्पण हुआ और विद्यार्थी जिसको मैंने शिक्षा दी उसके एवज में उस विद्यार्थी ने मुझे आज गुरु दक्षिणा दी है। मेरे 2 विद्यार्थी और यहां बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला और अमर कहा जाता है कि ईश्वर ने जब सारी शिष्य की रचना की, उसने देखा कि वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो
उसने मां बना दिया। क्या बात, सात जी बन सकते ये मेरा आप वाक्य है। मेरे विद्यार्थी मेरी नाव में अमृत कुंभ की वादे है। अभी कहानी के बारे में थोड़ा मैं बोलूं। दरअसल कहानी और कविता विधा कम है, संस्कार ज्यादा है। क्या बात, वाह वाह। जब बच्चा पैदा होता है तो माएं लोरियां गा के सुलाती हैं दो महीने तीन महीने के बच्चे को, और बच्चा सो जाता है। दादी माँ गोद में लेकर कहानी सुनाती है और बच्चा सो जाता है। दादाजी गुदगुदा कर उसको हंसाते हैं, वो बच्चा बेहसित हो जाता है। ये लोरी का संस्कार जो हमें मिलता है वो कविता में परिवर्तित हो जाता है, और जो कहानी सुनाई जाती है वो जिज्ञासा है, और जो कविता है वो हमारे अंदर संवेदना पैदा करती है। वो बालक जो अफीम की घुट्टी से सो जाया करता है, और वो बालक जो लोरी, ये महेश दुबे जो है इस माने में भाग्यशाली रहा होगा कि माँ ने बहुत लोरियां सुनाई होगी, दादी जी ने बहुत कहानियां सुनाई होगी गोद में लेकर, तले बालक सोया होगा, और दादाजी ने गुदगुदा गुदगुदा कर हंसाया होगा। तीन विधाएं निकली, कविता कहानी व्यंग। आप या तो पोएट हो या पॉलिटिक हो। क्या बात, वाह बहुत बढ़िया। अगर आप कवि नहीं हो सकते तो कविता पसंद आदमी होना, वो आदमी रुक्ष हो जाता है जो कविता पसंद नहीं करता, जिसके हृदय में कविता का संचार नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बी ए पोएट, इफ यू कांट बी ए पोएट बी पोएटिक। बी ए प्लेयर, इफ यू कांट बी ए प्लेयर बी प्लेफुल। वाकई बात यह है कि जब बच्चा छोटा होता है, लोरी का बच्चा होता है, कहानी का बच्चा होता है, उस समय ऐसे बच्चे को प्रसाद और प्रेमचंद दोनों चाहिए। आपको उस बच्चे के हृदय में प्रसाद और प्रेमचंद को पैदा करना पड़ेगा, और आपके हृदय में बच्चा सदैव निरंतर सदाबहार जीवित रहे, उसे मरने नहीं दें, ये आपका संकल्प होना चाहिए। जिस व्यक्ति में बच्चा मर गया होता है वो बच्चा कब्र होता है। अभी कहानी पर, कहानी की विधा पर बहुत सी बातें कही गई, और आपने भारद्वाज साहब, ही इज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, आई लव यू नॉट लाइक। कहानीकार के बारे में आज मैं कहना चाहता था, मेरे तीन छात्र हमारे बैठे हुए हैं, मैं कहा करता था कि मेरा विद्यार्थी अव्वल रहेगा, ऊपर उसको जाना होगा, ऊपर से अव्वल रहेगा। अगर ऊपर से अव्वल नहीं रहा, नीचे गया किन्हीं कारणों से, तो नीचे से भी अव्वल होगा। ये जो प्रेम बैठा हुआ है, ये लड़का थोड़ा नटखटका, और आज तक मेरे विद्यार्थी जो नटखट रहे हैं उनको मैंने वॉलंटियर बनाया हुआ है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो सबसे ज्यादा शरारत करता है और नटखटपन होता है वो खुद अपने को संयमित कर लेता है, और दूसरों को भी करने का मादा रखता है। ये बालक जो महेश है बहुत ही शिष्ट सौम्य शांत गौरवर्ण छेपा छेपा, लगता नहीं था कि इतना बड़ा अंतस में ज्वालामुखी दबाए हुए बैठा हुआ। क्या बात,
कई मरतबा बच्चों में भास नहीं होता कि वो आदमी क्या हो सकता है। अटल जी ने एक बड़ी बात कही थी कि मेरी आंखों में भी भारत का नक्शा है। अटल जी की बात मैंने बहुत सुनी थी, ये 1968 की बात है, पार्ले में सभा में उन्होंने कहा मेरी आंखों में भी भारत का नक्शा है। इनकी 56 कहानियां हैं, जो आखिरी कहानी है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उसका शीर्षक है इनकी पुस्तक का। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वो इनकी कहानी का सार है, इनकी जीत बताता है। श्रीकांत जिनकी बेटी अमेरिका में किसी अमेरिकन से शादी कर लेती है, उन्हें बहुत नफरत हो जाती है, वो भारत लौट आते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, उसी फ्लैट में एक आधुनिक लड़की रहती है, हरदम उसका रहन सहन वेशभूषा, कान में ईयरफोन लगाए हुए, उससे चिढ़ जाते हैं, उड़ते हैं। एक मरतबा ऐसा होता है कि दोनों जन लिफ्ट से जाते हैं, 22 महले का उनका फ्लैट होता है, लिफ्ट से जाते हैं दोनों जन और वो बेदर्श खाकर गिर जाते हैं श्रीकांत जी। वो लड़की अपने बैग से एक नोटबुक निकालती है, पंखा झलती है और पानी उनके सिर पर छिड़कती है और हनुमान चालीसा निकालती है, उनके सिर को छुआती है और कहती है, अंकल ये हनुमान चालीसा है, आप अभी ठीक हो जाएंगे। वो अपने फ्लैट में जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि प्राचीन वर्तमान को आधुनिकता को कभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ये परंपरा पुरातन है। वेशभूषा वृत्ति नहीं है, परिधान से किसी भी लड़की को किसी भी लड़के को परिधान से उसके बाल से उसकी शैली से उसके हाव भाव से आप मत आते हैं। आप शेक्सपियर का अगर आपने पढ़ा होगा रोमियो और जूलियट, आजकल एंटी रोमियो ये स्क्वाड वो लोग चला जाना नहीं है, इसका जवाब नहीं है। अगर पूरी दुनिया में कोई भी आदर्श प्रेमी कहा जा सकता है जिसका चरण छूने का मन करता है वो रोमियो और जूलियट। वो कहानी अब थी, शेक्सपियर कोई सड़क छाप लेकर नहीं था, इसलिए उस पर कमेंट करना उसको लेकर कि कुछ भी एक ऐसी चीज बना देना ये उसकी तौहीन तो है, अपने अज्ञान का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश भी है। अगर आप शेक्सपियर का रोमियो जूलियट पढ़ें, भर अंग्रेजी बोलता हूं अपने विद्यार्थियों में, टीचर्स में, क्लर्क्स में, ऑफिस में, लेकिन जब मैं रात को सपना देखता हूं आज तक मैंने अंग्रेजी में सपना नहीं देखा। मेरे सपने में कभी भी न रोमियो आया। जब भी कोई मेरे सपने में आया, कोई होरी आया और कोई धनिया आया। आज ये आपको कौन है? इसलिए आपके दिल में आप अंग्रेजी लिबास पहन लीजिए, आप जींस पहन लीजिए, कुछ पहन लीजिए, लेकिन आपके हृदय में कोई होरी है, कोई धनिया है। इनको मैंने ठोक ठोक के बनाया है, उसका गड़ा है, तो दिन का घर मैंने इनको कभी भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा स्वीकार नहीं किया। ये मैं था हुआ लड़का है महेश,
वो विद्यालय ऐसा था जिसको पंडित नरेंद्र शर्मा कहते थे कि हिंदी की गंगा अगर कहीं से बहेगी तो दियर दुनिया से बहेगी। छोटे छोटे बच्चे थे, निकट धन के आते थे, उस समय मैं ले आता था वहा भवानी भाई को, बच्चन जी को, नरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र मिश, शुभमंगल सिंह सुमन और मनहर जी थे उस समय। मनहर जी पूरी टीम लेकर आते थे। बाल कवि बैरागी जिस समय गीत गाते थे, वो एक बालक बैठा हुआ उधर पांडे उधर, यस ये लोग काका हाथ रसी, वो जब कविता करते थे लोगों को संस्कार पड़े थे तब कम जानते थे, लेकिन वो संस्कार जो बीज इसमें धारण किए थे अब उगाए। अब वो उगाए हैं। स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। किताब पढ़ाना, टेक्स्ट पढ़ाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। A teacher should not teach the text, not the syllabus, not the timetable. Teacher must teach the student, a person. Can you teach a person? मेरे विद्यार्थियों ने, हिंदी माध्यम विद्यार्थियों जो 35% हमारा विद्यार्थी पाया था कॉलेज में जाकर के, वो आदमी शीर्ष पर प्रथम आया। चंद्रगुप्त चाणक्य की देन था। एकलव्य भी तो होते हैं जो द्रोणाचार्य के गुरु नहीं होते। हर माटी में सोना नहीं होता है। किसान माटी देख करके बताता है कि जिंदा माटी है। अगर आप लोग किसान होंगे, ये जिंदा माटी है, मरी माटी नहीं है। जिंदा माटी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मुर्दा माटी से बर्तन नहीं बनते। बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चे में टैलेंट है। यू आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अर्थ होता है अंग्रेजी में कि आप जैसे हैं, ऐसा कोई कभी हुआ नहीं था पहले, ऐसा कोई अभी है नहीं और आगे कभी पैदा नहीं होगा। You are the God's unique creation. Remember that you don't have any parallel to you, never in the past, never in the present, and never in the future. अगर आप twins भी हैं तो आप दो हैं, दो हैं। कि जिसका भोजन पचता हो, जिसको नींद आती हो, वो धर्मात्मा। आपने कुछ गड़बड़ किया है, नींद नहीं आएगी, भोजन नहीं पचेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी, जब पहले कॉलेज दूसरी जगह था, वहां से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारी किताबें लाई गई। वो गधे पर लाई गई थी, गधे पर सारी किताबें। एक भी गधा है उसमें पंडित नहीं हुआ। जनरेशन गैप में उसको मानता हूं कि जिसका बेटा बाप की कद से 6 इंच ऊपर हो जाए उसको जनरेशन गैप कहते हैं। उसी तरह टीचर गुरु वह है जिसका शिष्य उसे 6 इंच ऊपर हो जाए उसका कद। ये विद्यार्थी मेरे शैल शिखर है। मेरी शिखरता जो है वो इनकी वजह से है। वो अमरजीत को आप जानते हैं, कितना गर्व होता है कि जब लोग अमरजीत को ज्यादा जानते हैं, कितना गर्व होता है जब प्रेम को लोग ज्यादा जानते हैं, कितना गर्व है जब महेश को ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम। बहुत बड़ा किसान, तब मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ। और 2.5 साल के बच्चों से लेकर के इतने बड़े बड़े बच्चों के बीच में, हजारों बच्चों के बीच में मेरे पास न मरने को पाया है,
न बीमार होने का उपाय है, न बूढ़ा होने का उपाय है। वो आधार आप बताइए, वो आधार आप बताइए जिससे आदमी बूढ़ा होता। I'm 78, still working 9 hours per day. Non-rep principal for the 42 years. मेरे जैसा कोई भी, मेरे जैसा कोई संपन्न मैं नहीं मानता कि इस धरती पर कोई है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ना, मैंने शाहजहां पैदा किए। गुड एंड बैड दोनों। शिक्षक जब गिर जाता है तो उसको कोई कबूल नहीं करता। देश का राष्ट्रपति गिरेगा चलेगा, प्रधानमंत्री गिरेगा चलेगा, शिक्षक गिरेगा तो नहीं चलेगा। मैं पार्टी नहीं चलाता, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं जनरेशन पैदा करता हूँ। मैं नट बोल्ट नहीं बनाता, खराब हो गया तो फेंक दिया। एक विद्यार्थी हमसे खराब हो जाए, मेरी वजह से खराब हो जाए, तो ये मेरा अपराध है। एक परिवार, एक संतति, उस संतान की एक जनरेशन मैंने मार दी। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी अगर एक साल फेल हो जाए तो जो विद्यार्थी 70-80 साल जीने वाला था, कैलेंडर से एक साल पहले उस लड़के को मैंने मार दिया, एक साल फेल करके। शिक्षक चुनाव से होना चाहिए। You should like and love to be a teacher. Not that you could not do anything and then you became a teacher. वरना मत करो, मूंगफली बेचो ना, दुनिया में बहुत से काम है। एक शिक्षक उतना ही अपने विद्यार्थी पर प्रभाव डालता है जितना वो होता है, जितना करता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका जो चरित्र है उसका प्रभाव पड़ता है, आपके सर्मन्स का प्रभाव नहीं पड़ता, उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कक्षा में एक शिक्षक जाता है, वातावरण बदल जाता है, पहला टीचर दूसरा टीचर। मुझे गर्व है, मैं और भी शायद कुछ बन सकता, लेकिन मैंने बनना नहीं चाहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप तक मैं शिक्षक हूं और मेरे इर्द गिर्द हजारों विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी ऐसे हैं, मुझे जब इनकी किताब देखता, अब इनको दिखा, उनका देखा, इनका बड़प्पन हुआ, आपने सम्मान किया, तो ऐसा लगता है गंगा जल से गंगा का अभिषेक हो रहा है। मुझे नींद नहीं आती, ये लड़के की किताब रात भर में सोचता रह गया। महेश रात भर सोए और मैं रात भर जागता हूँ। फेसबुक पर आप देखिए, इन्होंने एक अपनी फोटो दी है उदास, उसमें इन्होंने लिखा है कि हरदम क्या हंसते रहते, उदास होना भी सीखो। लेकिन ऐसे आदमी को उदास होने की तहजीब नहीं होगा, उदास होने की तमीज चाहिए। जो आप मूल हैं, आपको अगर आप ईमानदार हैं हो तो बेईमान नहीं हो सकते, बेईमान होंगे तमीज चाहिए बेईमान। और इनको गिरने कोई ट्रेनिंग हमने नहीं दी है। एक एक बच्चा वर्दक्षी मां की है, जो जहां खड़े हैं वहां पर वो जमीन उनकी है। क्या बात है। मर्सी नहीं चाहिए प्रेम शुक्ला को, चाहे तुम सामना में कहो चाहे दुस्सामना में कहो, प्रेम शुक्ला मतलब बोलने अच्छा भी नहीं रहेगा। माटी से वो श्रवण कुमार थे, अपने माँ बाप को नासिक में ले गए, वहां पर
उन्होंने बड़ी सेवा की, किसकी? अपने माँ बाप की, नासिक में। जैसे नासिक से चले, उनकी माँ ने नासिक से इतनी मिट्टी ले ली थी रखा अपने पास, थोड़ी दूर आए उन्होंने पटक दी, वो झोपाल की थी, पटक दी, कहे तुम बुढ़े बुढ़ी हमारे कंधे पर इतना हम नहीं ढोएंगे, पटक दिया कि हम या तुमको नहीं ढोएगा, आगे यात्रा नहीं होगी। उसने माँ कहा बेटा थोड़ी देर सवाल, उसने एक कपड़े पर मिट्टी नासिक की रखी, कहा जरा इसमें खड़ा होकर बोल, इस मिट्टी पे खड़ा होकर बोल। उस मिट्टी पे खड़ा होते ही फिर से धर्मात्मा हो गया और आपका सोल जमीन है रियल रियल। इनको याद होगा संजय निरूपम को मैंने बुलाया था अपने यहाँ डिजिवेट में अंत्यक्ष बना, कहीं नहीं मैं भाषण नहीं दे सकता, मैं गिर जाऊंगा अंकल कोई बात नहीं। उस सड़क पर ले आया, अपने यहाँ डिबेट हुआ, उनको हमने अनाउंस कर दिया कि अभी आपके सामने संजय निरूपम जी दो शब्द कुछ कहेंगे। मैं खड़े हुई, आज तक वो उनके अंदर है ना वो संस्कार, नहीं खड़े हुई नहीं खड़े हुए, मैंने उनको खड़ा किया कहा मैं नहीं बोल पाऊंगा, तुम इतना ही बोलो कि आज का कार्यक्रम जो हुआ अद्भुत हुआ और बहुत अच्छा है और मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बस इतना ही बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही बोले। हमने कहा आज तुम जो इस प्रांगण में बोल रहे हो बीए रुइया के, इस धरती का आशीष लगेगा, वो दिन आएगा जब तुम ऐसा बोलोगे ऐसा बोलोगे लोग बोलना बंद कर देंगे तुम्हारे सामने अगर आप क्षमा करें। और जैसे अटल जी ने इस्तीफा देने तक का मन बना लिया था, अगर आपको याद होगा तो आप मुझे माफ कर देंगे, नहीं याद होगा तो रात भर गाली देंगे। अभी जैसे इनका हमने भी नहीं पढ़ा, इनका क्या है निंदा रस, नौ रस होते हैं ना, निंदा रस एक ऐसा रस है जिसमें 100 रस समाये रहते हैं, 9 नहीं 100। उस आदमी का आप नाम बताओ जो निंदा रस में रुचि न लेता हो। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो निंदक न हो। हमारे एक मित्र था बहुत, वो कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल की खैर, ना कहो सो दोस्ती ना कहो सो बैर। उसने उनकी टिप्पणी क्या की कि वो जो उन्होंने लिखा था कि निंदक नियरे राखिए कबीर जी, वो हमारे जो हमारा सहपाठी था इन्हीं महेश की तरफ है, उसने कहा कि जो औलिया और फकीर थे दूसरे उसकी निंदा करते थे, किसकी? कबीर की, जलते थे निंदा करते थे, इसलिए उन्होंने लिखा निंदक नियरे राखिए। और कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल की खैर, वो सब ऐसा हुआ था। इसलिए आप लोगों ने मेरे विद्यार्थी का हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आप खरीदी हूं। आशा करता हूं मेरे जो अनेक छात्रगृह हैं और भी बॉस हैं और आ रहे हैं, वे अपनी पुस्तकें लिखें और विरासत के रूप में मुझे गुरुदक्षिणा दे जाएं और आप लोगों के लिए वो किताबें लाभदायी हों। इन्हीं शब्दों के साथ एक बहुत बड़ा मान रखा मित्रों, मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा, सर ने कहा कि मैंने शाहजहां पैदा किए, सर ने कहा कि मैं बहुत बड़ा जमींदार हूं, मैं कहूंगा हाँ सर आप बहुत बड़े जमींदार हैं, आप सबसे संपन्न किसान हैं। एक अमृतवाणी बरसती रही, श्रद्धेय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होंगी। बताओ कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? जो ऊपर से अव्वल आता था विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसने बताया कि फला फला पार्टी, आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। निरीक्षक ने दूसरा प्रश्न दागा कि बताओ किसकी स्थापना किसने की थी। जो ऊपर से अव्वल आने वाला विद्यार्थी था वो बेचारा बैठ गया, नीचे से अव्वल आने वाला विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा सर ये तो नहीं पता कि स्थापना किसने की, पर विसर्जन कौन करेगा ये देश का बच्चा जानता है। तो आइए मित्रों,
मैं पूरे आदर के साथ में सरने जैसा अनुमति दी है हमारे बीच में प्रसिद्ध कवि प्रसिद्ध अभिनेता शैलेश लोढ़ा, पर उनके उद्बोधन से पहले मैं अनुरोध करूंगा भाई महेश दुबे से। महेश संचालक महोदय, तमाम साथी, बहुत सारे बड़े भाई छोटे भाई बच्चों बैठे, आपने पार्टी बहुत बहुत आपका आभारी हूं। विसर्जन करने आ रहे हैं, क्षमा इसलिए नहीं मांगूंगा देरी से आने की, ये एक्टर लोग ऐसे ही होते हैं, आलतू का भाव खाते हैं, बोलते हैं जब एंट्री, आपके रूह को बहुत चैन मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी कि आज का हो गया। तो हाँ बहुत बढ़िया बजट लगता नहीं है किताब के विमोचन बोला गया बिल्कुल कार्यक्रम। जिस देश में पब्लिशर लेखक से बड़ा होगा किताब का क्या मूल्य मुझे बताइए। अभी थोड़ी देर पहले विभू एक कार्यक्रम में मेरे साथ थे और वहां इन्होंने बड़ी शान बताई, हम वो पब्लिशर हैं जो किसी लेखक से पैसा लेके नहीं छापते। मैंने कहा सम्मान की बात है, बताओ कितना दिया तुमने। आपने ऐसे शहनशाह बनाए जो ठेके पे ताजमहल बनवा रहे बढ़िया, इसमें कुछ नहीं है जो है वो यही है, निंदा है उसके साथ। ऐसा हॉल जिसमें नीचे साला रास्ते का पता नहीं। चलो आज शाम इधर कुछ नहीं, कार्यक्रम के बाद नाश्ता तो होगा ही होगा, किताब जो है वो तो है ही। महेश दुबे, हमें पता नहीं है कि क्या लिखते हैं और क्या करते हैं, तो जिसे देखो लेखक बन जाता है। चार चुटकुले याद कर लिया, ऐसा तो अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है मुकेश गौतम, ऐसा थोड़ी होता है। और जो सही कवि जिनके हैं वो घर बैठते हैं, सामने बैठे अरे कोई पब्लिशर साल के रिटर्न आ गई, गई तो थी दोस्तों थी वापस आ गई। कविता तो बिकती नहीं है साहब, कोई पढ़ता ही नहीं है, ये सत्य ये यही क्या साल भर सुनने को मिलेगा बाद। तो जो इन्वेस्टमेंट किया सब फालतू है, मैं बस खुश हो जाना बायोडेटा में कि मैंने भी लिखी है दो किताबें, पद्मश्री के लिए जब अप्लाई करो तो काम आएगी। उसे बताइए और किताब पर बोलना सिंह साहब, उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस देश में जितने किताब के विमोचन के समारोह होते हैं उसमें सारे वक्ता बिना पढ़े बोलते हैं, कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कॉपी पेस्ट में नाम बदलना भले बात तो वही है। क्या करना, ये जो पुस्तक है अनुपम अनुपम ऐसी पुस्तक ऐसे नहीं लिखी जाती, कई रातों का परिश्रम लेखक का लगा ऐसी पुस्तक को रचने के लिए, ऐसी पुस्तक को गढ़ने के लिए। इस किताब के जब आप ट्रस्ट पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि साहित्य का एक नया तेवर आपको देखने को, हर लेख आपसे कुछ मांगता है, हर हर खींचता है। मैं सोच सकता हूं कि कितना परिश्रम किया होगा लेखक ने, इस किताब को समझने के लिए गहराई में उतरने की आवश्यकता।
अद्भुत पुस्तक, कमाल कर दिया लेखन, कमाल भी कर, हास्य से जो व्यंग की ओर गया है और कहीं कहीं व्यंग से जो हास्य की ओर, आपको पता ही नहीं चलता कब यहाँ से बाहर चलेगा कब वहां से जाएगा। मैं लेखकीय कौशल को प्रणाम करना चाहता हूँ, इनकी रचना प्रक्रिया को प्रणाम करना चाहता हूँ, फिर दो एक वाक्य कह के परसाई जी का नाम ले लीजिए। परसाई पूछने तो आएंगे नहीं कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था। बस परसाई ने एक बार कहा था कि टमाटर अगर महंगे हो जाएंगे तो प्याज आत्महत्या कर लेगी। ताली न टमाटर से बजेगी न प्याज से बजेगी, परसाई से बजेगी। हम लोगों ने आज तक यही किया है, बजाइए तालियां। लेकिन इस पुस्तक जो संवेदना है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो लेखक ने इस निबंध में उकेर दी, थोड़ा ऐसे दो चार शब्द और लाने पड़ते भाई बहुत। ये समाज की विडंबना है कि ऐसे लेखक आज तक सामने नहीं आता। आपको उठ के विहंगम दृष्टिपात करना पड़ेगा तब महेश दुबे।